आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू वाले। जैसे कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि हम मेनू के हिसाब से चलेंगे और यहाँ फाइल मेनू बार में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फाइल मेनू बार को यूज किया जाता है। ओके सर, ठीक है जी सर। तो बेसिक इसमें फाइल मेनू बार बेसिक है तो मोस्टली चीज तो आपको आता ही होगा जी। हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि फाइल मेनू बार में आते हैं सबसे पहले आपका आता है होम। होम में क्या होता है कि आपको यहाँ पे न्यू और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं जी सर, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं जो रिसेंटली आपने यूज किया है वो। इसके अलावा और टेम्पलेट चाहिए तो इस पे क्लिक कर सकते हैं मोर टेम्पलेट सर। उसके बाद यहाँ पे आपके जो रिसेंटली फाइल है वो दिखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए तीन कैटेगरी है, रिसेंट, पिन एंड शेयर विद मी। ओके जी सर। अब इसमें हम बात करते हैं रिसेंटली। रिसेंटली जो आपने रिसेंटली ओपन का लिस्ट होता है और पिन जो आपने पिन कर दिया, मतलब पिन कर समझे, जैसे मान लीजिए डेटा पीक में जिन ओपन करता हूँ जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं उनको हम पिन कर देते हैं। जी हाँ, उसको पिन कर देते हैं ताकि इजी टू एक्सेस, गायब ना हो सर, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइल ओपन करेंगे तो मेरा गायब हो जाएगा ना। बिल्कुल सर। और आपका शेयर मतलब कि जो आपके ड्राइव के साथ किसी ने शेयर किया हुआ है वो यहाँ पे शेयर लिखना है सर। जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ न्यू, इसके अलावा और टेम्पलेट्स है। जैसे टेम्पलेट का यूज ऑफिस में बहुत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको बोला कि एक बार एक रोस्टर बना दो सर। अब आपको रोस्टर कभी आपने बनाया नहीं था, करेक्ट सर, तो आप यहाँ रोस्टर साइड करेंगे तो यहाँ पे दिख गया आपको रोस्टर, टीम शेड्यूल, स्पॉट टीम शेड्यूल, क्लास रोस्टर, मेंबरशिप लिस्ट। तो आपको टीम रोस्टर एंड शेड्यूल चाहिए, आपने क्लिक किया और इससे देख लिया तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रोस्टर में किस किस तरह के डाल सकते हैं। हाँ, माने इवेंट होता है और कैलेंडर कैसे होता है तो इसको अपने हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं सर। तो इसका यूज हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे बने बने फॉर्मेट आते हैं, लेकिन आप अगर न्यू है तो आपके लिए बेनिफिट क्या है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं एक्सेल तो इसमें बहुत सारे टैबलेट्स हैं, तो सारे टैबलेट्स को आप डाउनलोड करें एंड उसकी एनालिसिस करें। करेक्ट सर। अपलोड करके एनालिसिस करने से फायदा क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के काम किए चल सकते हैं, इस तरह की चीजें बना सकते। जैसे कि यहाँ पे डेली शेड्यूल है, डेली शेड्यूल में यहाँ आपका डेट आ गया 27 तारीख आ गया और हमारा काम है वो काम यहाँ शो हो रहा है कब कब है, क्योंकि यहाँ पे हमने इवेंट शेड्यूलर में अपने काम यहाँ डाल रखे हैं हर डेट के हिसाब से, ठीक है ना। अपने बाहर जा रहे हैं में तो यहाँ पे एडिट टेबल है कि हम यहाँ यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम व्यू शेड्यूल है वहां पे दिखाया आपको, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मेरा मंडे का पूरा आवर्ली रिपोर्ट्स आ गया, कोई वीकेंड ग्लांस है तो उसका डिटेल आ जाता है, कुछ नोट्स वगैरह है तो हम यहाँ नोट्स वगैरह दे सकते हैं। करेक्ट सर, ठीक है जी सर। तो इस तरह की चीजें हम बना सकते हैं तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह ऐसी चीजें भी होती है एक्सेल। करेक्ट सर। तो जब आप अपने लिए बनाओगे तो आप इसका एज ए रेफरेंस ले लोगे, मतलब कि एक तरह से हेल्प ले लोगे। करेक्ट सर। हम ओपन पे बात करते हैं, अब न्यू पे हम बात कर रहे हैं तो टेम्पलेट के बारे में, तो क्या आप अपने लिए टेम्पलेट बना सकते हैं, राइट सर। जैसे अब ऑफिस में आप क्या करते हैं, आप रिपोर्ट बनाने के लिए जो कल वाली रिपोर्ट होती है उसी को सेव एज करते हैं आज की रिपोर्ट से, राइट सर। सर करेक्ट, उसको सेव एज करते हैं आज की रिपोर्ट से, फिर आप उसको क्या करते हैं, उसमें डेट चेंज कर देते हैं, प्रीवियस डेटा है वो प्रीवियस डेटा को आप डिलीट कर देते हैं। करेक्ट सर। और फिर नया डेटा डालते हैं,
राइट सर? करेक्ट सर, करेक्ट। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप एक टैबलेट क्रिएट कर दे जो हमेशा आपको ब्लैंक डेटा ही दे। तो मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, मर्ज में गया और यहाँ पे लिखता हूं मैं कि डेली सेल्स रिपोर्ट, छोटा सा मैं बना रहा हूं रिपोर्ट, और यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, यहाँ पे लोकेशन, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देता हूँ, सीरियल नंबर एंड नेम, पार्टिकुलर्स, एरिया दिया, सीआर एंड बैलेंस। ये छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, हमने यहाँ पे दे दिया और इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको अप लोअर बॉर्डर और इसको भी लोअर बॉर्डर कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा कर देते हैं और इसको अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑथराइजेशन, यहाँ पे हम कर देते हैं चेक। इसमें हम यहाँ ऊपर सिलेक्ट कर लिया और लोअर बॉर्डर डाल देते हैं और यहाँ पे लोअर बॉर्डर डाल, और इसको थोड़ा सा बेटर दिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला डालते हैं थोड़ा सा कि बैलेंस शुरुआत में होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, उसके बाद यहाँ होता है क्रेडिट प्लस बैलेंस माइनस डेबिट, करेक्ट सर, और नीचे की तरफ बैक है और बाकी चीजें भी हम लगा सकते हैं। फिर मैं पेज लेआउट में जाता हूँ और इसकी ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ, हो गया रिपोर्ट हमारा। अब इसको मैं नॉर्मली सेव नहीं करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, सेव एज करूंगा, सेव एज टेम्पलेट, टेम्पलेट। हाँ, तो याद रखिएगा पहले यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करें, फिर लोकेशन सिलेक्ट करें, मतलब टेम्पलेट सिलेक्ट है वो आपको एक्सेल टेम्पलेट में चला जाता है। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कैश दे, अब जब भी मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो कैश वन, कैश टू, कैश थ्री के नाम से ओपन होगा। ओके, नीचे वाला, नीचे लास्ट, कैश वन, कैश टू के नाम से। और हमेशा जब भी इसमें एडिट करने के बाद फाइल सेव नहीं, ऑटोमेटिकली सेव एज होगी, मुझसे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैश वन आ गया, हाँ जी, हमेशा आपको ब्लैंक ही देगा। तो इसी क्या हुआ, आपको पता रहेगा कि आखिर आपको रिपोर्ट क्या बनाना है, करेक्ट सर, इसका यूज आप कर सकते हैं। तो अगर जैसे अभी कैश वन आया है और हम इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट डे ओपन करेंगे तो कैश टू हो जाएगा? नहीं नहीं, नेक्स्ट डे ओपन करेंगे तो इसको ओपन करेंगे ना, हाँ जी, ये ओवरराइट थोड़ा होगा, जैसे आपने इसको सेव, इसको सेव किया तो सेव सेव एज डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशन, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है सर। जब आप नया फाइल लेते हैं तो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी। ऑप्शन हमारे इसमें आता है फाइल के टेम्पलेट के बाद, हम बात करते हैं फाइल की प्रॉपर्टी के बारे में। अब जैसे कोई फाइल हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करते हैं ओपन, तो ओपन में आपको यहाँ ओपन होता है, यहाँ जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना इसके थोड़ा ज्यादा दिखता है, होम में आपको कम दिखाता है, यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, जो पिन होगा वो पिन सबसे ऊपर आएगा, देखिए इतने सारे पिन है, ये सबसे ऊपर आएगा। मैं इसको कुछ पिन हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं अनपिन कर, नहीं जो पिन वापस करता हूँ, मैप डेटा इसको अनपिन करता हूँ, डैशबोर्ड इसको अनपिन करता हूँ, ठीक है, ठीक है सर, ये आता है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन आता है ओपन करने का, ये कोई खास बताने वाली बात नहीं, इन्फो में आता है फाइल की इन्फॉर्मेशन कि फाइल क्रिएट हुई, ऑथर कौन सा है वगैरह वगैरह, कौन कौन से वर्कबुक आपके प्रोटेक्ट है नहीं है, वर्जन हिस्ट्री क्या है, पहले क्या था, वगैरह वही समझाता है। लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि एक फोल्डर है, अब मेरे पास एक फाइल,
जैसे मान लीजिए फाइल आपका सुधीर का ही फाइल है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सुधीर का फाइल कौन सा है, इसमें डेटा क्या होगा, कैसा होगा, पता ही मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, इस चीज को पता करने के लिए इसको ओपन तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, तो ऐसी केसेस में क्या होता है, कभी कभी हम डेटा ढूंढने लगते हैं तो हमें हर फाइल को एक एक करके ओपन करना पड़ सकता है जी। इस पे राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाए, प्रॉपर्टीज में आए, हाँ जी, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डिटेल्स। डिटेल्स में आप यहाँ टाइटल डाल दीजिए, ठीक है ना। ठीक है सर, हम कर देते हैं कि सम इफ एग्जांपल ओ बैच 9 और यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट डाल दीजिए और यहाँ पे आपको डालना है टैग, मतलब कि इस फाइल को कितने नाम से ओपन कर सकते हैं, जैसे डेटा के नाम से ओपन कर सकते हैं, फॉर्मूला के नाम से ओपन कर सकते हैं, सर्च ढूंढ सकते हैं, ये डाल दीजिए। कमेंट कैटेगरी वगैरह डालना है, डाल करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए। एक बार मैं इसमें फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसमें जस्ट कर्सर रखूंगा तो मुझे देखिए दिख गया टाइटल सम इफ एग्जांपल फॉर बैच 9। इससे क्या हुआ कि मुझे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सर, उसी तरह से ढूंढ हमने जो टैग डाला था, जैसे मान लीजिए मैं इसमें अगर सर्च करता हूं डेटा, तो डेटा सर्च करते सुधीर आ गया, दिख रहा आपको सर? हाँ जी। क्यों आया? क्योंकि इसके टैग में देखिए टैग दिख रहा है, डेटा लगा हुआ। एग्जैक्टली सर, तो आपको सर्च में भी प्रायोरिटी देता है, कीवर्ड्स होते हैं तो सर, इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज नॉर्मल, आप ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, सेव सेव एज। प्रिंट हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, शेयर, जैसे कि अगर आपको इसको मेल के थ्रू शेयर करना है किसी को एज अटैचमेंट तो आप शेयर कर सकते हैं सर। एक्सपोर्ट, इसको आपको आपको पीडीएफ में या एक्सपीएस में आपको एक्सपोर्ट करना है, अगर आपका पावर बीआई से लिंक है तो पावर बीआई पे इसको आप पब्लिश कर सकते हैं सर। क्लोज क्लोज है अकाउंट, आपने माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल वर्जन ले रखा है तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को लॉगिन वगैरह कर सकते हैं या चेंज वगैरह कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास एक्सेल का कौन सा वर्जन आपको मिला होगा जी, ठीक है, अपडेट कौन सा है, या अपडेट अभी करना है या डिसेबल अपडेट करना, ये चीजें भी आप यहाँ कर सकते हैं। ओके, फीडबैक की खास चीज नहीं है, ऑप्शन पे आते हैं। अब ऑप्शन क्या है, अब बोलेंगे सर पहले दूसरी क्लास में एक्सेल की सेटिंग्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं जी, हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आप फोन ही लेते हो, उसका फोन, उसका वॉल पेपर, अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो ना। एग्जैक्टली, वॉल तो सेटिंग होके आता ही है, उसके बाद भी हम इसमें सेट, करेक्ट सर, क्यों, क्योंकि उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है। सेम ऐसा यहाँ भी है, तो अब इसमें सारी चीजें नहीं बताऊंगा बट जो जिसको चेंज करने से हमें बेनिफिट्स है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। थैंक्स सर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट, देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल है या कुछ और भी हो सकता है। ओके, आप वही फॉन्ट यूज करो, आप कोई और फॉन्ट भी तो यूज कर सकते हैं। करेक्ट सर, क्या कुछ भी जैसे कैलिबरी लाइट करना हो हमें यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज, व्यू, नंबर ऑफ शीट्स, आप यहां पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट सर। ओके, और ये आपका ऑथर नेम हुआ, क्या हुआ, ऑथर नेम। ऑथर नेम क्या होता है कि जब हम आपकी जो फाइल किसने बनाई है ये चेक कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ऑथर बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका लॉगिन आईडी होता है, तो कंपनीज में यूजर सर कुछ इस तरह से होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। Okay, मतलब बेसिकली हम ऑथर नेम में अपना कस्टम नेम डाल सकते हैं जो भी आपका नेम है,
और इससे क्या होता है कि फोल्डर पे कोई कर्सर रख के ही पता कर सकता है कि इस फोल्डर में इस फाइल को किसने बनाया। करेक्ट सर, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये आप यहां से चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम फॉर्मूला में आते हैं, तो फॉर्मूला में खास चीज नहीं है। ऊपर जो R1C1 है जी दिख रहा है, इसको R1C1 में कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन कॉलम में, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद यहाँ हम बात करें डेटा की, डेटा में कोई खास चेंजिंग नहीं है। प्रूफिंग, इसमें आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बना रखा है कि डीएस चेंज होकर डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। करेक्ट सर, करेक्ट। यहाँ आप कर सकते हैं। फाइन, उसके बाद यहाँ आपका आता है, एक और आता है, जैसे आप कोई ईमेल आईडी वगैरह टाइप करते हैं ना सर, एंटर मारते हैं उस पर हाइपरलिंक लग जाता है। करेक्ट सर, तो आप यहां से अनचेक कर देंगे तो हाइपरलिंक आपका, हाइपरलिंक हट जाएगा, हाइपरलिंक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके अलावा सेव में, अब जैसे कि सेव का टाइप, जैसे मैं जब भी सेव करता हूं तो मेरा फाइल XLSN में सेव होता है, आप उस हिसाब से यहां चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सेल वर्कबुक में .xlsx होता है और XLSN होता है। करेक्ट सर। जैसे मैं VBA ज्यादा यूज करता हूं तो मेरा फाइल हमेशा मैक्रोवर्ड वाली फाइल में सेव होता है, जिससे हमें डेटा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। यह आपका रिकवरी टाइम है कि आपका फाइल ऑटो रिकवर कितने मिनट में हो और किस फाइल पे ना हो, आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और ये जो डिसेबल वाला ऑप्शन है सर, ये बताएंगे एक बार डिसेबल वाला ऑप्शन कैसे वर्क करेगा? क्या होता है ऑटो रिकवर, क्या करता है कि हर 10 मिनट में आपने जितनी भी ओपन फाइल है उसको एक लोकेशन में सेव करता है। फाइन सर। छोटी मोटी फाइल आपने ले रखी है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी बड़ी फाइलें होती है, आपने बड़ी फाइल ले रखी है तो उसको जो आप करते हैं जब आपका रिकॉर्ड रिकवर होता है, तो कुछ सेकेंड्स के लिए, हो सकता है मिनट के लिए, आपकी एक्सेल हैंग हो जाती है। तो हम लोग नंबर पे डंप फाइल ओपन करते हैं जिसमें से रेफरेंस लेके हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। डंप चेंज नहीं होती, जस्ट उसका रेफरेंस हम लेते हैं। ऑटो रिकवर चल जाता है, जब उसका ऑटो रिकवर चलता है तो काफी बड़ी फाइल होती है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है। करेक्ट सर। वो फाइल खुली होती है, उसका लिस्ट यहाँ दिख जाएगा आपको, उस लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप डिसेबल ऑटो रिकवर कर दीजिए, तो ऑटो रिकवर उस फाइल पे वर्क नहीं करेगा। ओके सर, समझ गए जी सर। लैंग्वेज में कोई खास नहीं है, नॉर्मल है। इसके बाद इश्यू एक्सेस भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ एडवांस थोड़ा सा है, तो एडवांस में जैसे आप कर्सर एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर डाउन जाता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सर। या आप चाहते हैं कि मेरा कर्सर मूवी ना हो एंटर से, इसको आप यहाँ पे आप अनचेक कर दीजिए, नहीं मूव। दूसरा, अगर मान लीजिए एक्सेल में आप 100 टाइप करते हैं और 1 हो जाता है, 50 टाइप करते हैं 0.5 हो जाता है, तो इसका मतलब है किसी ने इस पे क्लिक कर रखा सर। दूसरा, आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं, ड्रैगिंग पॉइंट बन रहा है ना, वो नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि इस पे अनचेक है। अगर इनेबल फाइल हैंडल, ओके कर सकते हो। ओके सर, ओके। वैसे यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहां पे किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए, जैसे बुक वन में आप इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल बार हटाना चाहते हैं जो होता है स्क्रॉल बार, सीट टैब सीट के जो नेम हटाना चाहते हैं, फॉर्मूला बार हटाना चाहते हैं, तो ये चीजें यहाँ से कर सकते हैं। एक बार इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए। श्योर सर, करेक्ट। जो समझ में आया मुझसे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा।
ओके सर। ओके, अब बात करते हैं कस्टमाइज रिबन की। तो कस्टमाइज रिबन में क्या होता है, जो आपके रिबन है मेनू बार है, अब कोई मेनू बार आपको नहीं दिखेगा, जैसे मेरे सिस्टम में डेवलपर है, आपके सिस्टम में डेवलपर नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से डेवलपर इनेबल किया। यहाँ भी और बहुत सारे कमांड है, जैसे कमांड नॉट इन द रिबन, ऐसे बहुत सारे कमांड है जो रिबन में नहीं है, आपकी जरूरत है आप सेलेक्ट कीजिए और इसको ऐड कीजिए। लेकिन ऐड ऐसे नहीं होगा, ऐड करने के लिए आपको किस मेनू बार में ऐड करना है उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ न्यू ग्रुप पे क्लिक करके एक ग्रुप बनाना होगा, फिर उसमें ऐड। ओके ओके सर, जैसे अगर हमें कमेंट्स ऐड करना है होम पे, तो पहले हमें कमेंट सेलेक्ट करना होगा वहां से। पहले होम पे जाइए, न्यू ग्रुप कर लीजिए, फिर यहाँ पे कमेंट को जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड। ओके सर, ओके श्योर, ठीक है सर। अब क्विक एक्सेस टूलबार में क्या है, जैसे आप ऊपर दिख रहे हैं आपको सेव ऑनडू रीडू होता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐड कर सकते हैं, क्विक एक्सेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया और उसको ऐड कर दिया, तो ऑल बॉर्डर हमारा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऑल बॉर्डर लगाना होगा तो बस मैं अपने कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक नंबर आ गया 5, मैं 5 प्रेस करूंगा, तो मेरा शॉर्टकट हो गया ऑल्ट 5। करेक्ट सर, ऐसे 4-5 ऑप्शन जो ज्यादा यूज करते हैं उसको आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। सर, उसके बाद यहाँ ऑप्शन में आगे आता है एड इंस। अब एड इंस क्या करता है, इस बताने एड इंस में दो चीजें होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम में पावर पिवट है, आपके सिस्टम में नहीं होगा सर। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैंने कॉम कर दिया, कॉम एडिंस कर दिया, गो कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एडिंस आपको दिए हैं, जैसे कि आपका डेटा स्ट्रीमर है, जैसे आपका मैप है, पिवट टेबल है, ये आपका एक और पावर पिवट कनेक्टर है, कमांडर है सॉरी, तो इसका यूज आप कर सकते हैं क्लिक कर। ठीक है जी सर, ठीक है, ठीक है सर, ये चीजें ला सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मान ली कोई ऐसी इवेंट, कुछ ऐसा चीज बनवाया है आपने, मतलब आपने किसी को बोला कि यार मुझे एक्सेल के लिए कोई ऐसा टूल्स बना दो कुछ काम, जैसे कि आपका शेयर मार्केट का डेटा रिपोर्टिंग का टूल्स बना दो, तो टूल्स आपको एडिंग से बना के देगा, फिर आपको यहाँ उसको एड करना पड़ेगा। ठीक है सर, ब्राउज करके आप उसको एड कर सकते हो, इसको आगे हम सिखाएंगे। Sure, का पार्ट है, इसको छोड़िए। तो माइकिंग फाइल मेनू बार मैंने आपको कंप्लीट कर दिया हुआ, फिर भी आप एक बार स्कैन कर लीजिएगा कोई ऑप्शन में। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। श्योर सर, तो कल हम बात करेंगे होम मेनू बार के बारे में। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर।